हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बायोलॉजी समझ में आ रही है? पिछला टॉपिक समझ में आया है ना? आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है ये। अब इस टॉपिक को ढंग से समझना, अच्छे से पढ़ना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके या मैसेज करके पूछ लेना, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ द पेरेंट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, इसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। यानी कि पेरेंट्स कितने हैं, इसके बेस पे रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। अगर एक पेरेंट है तो इसे एसेक्सुअल कहते हैं, और अगर पेरेंट्स दो हैं तो इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स होते हैं, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसमें एक खास तरह की सेल बनती है जिसे गैमेट कहते हैं। गैमेट एक खास तरह की हैप्लॉइड सेल होती है। हैप्लॉइड सेल वो सेल होती हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट होता है। जनरली हमारी बॉडी में क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं, एक सेट क्रोमोसोम का एक एन, दूसरा सेट क्रोमोसोम का दूसरा एन, इस तरह टू एन होता है तो बोलते हैं डिप्लॉइड, और अगर एक ही सेट होता है सारे क्रोमोसोम का तो इसे कहते हैं हैप्लॉइड। तो गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली स्पेसिफिक हैप्लॉइड सेल गैमेट कहलाती है। अब गैमेट्स के बेसिस पे ये तीन तरह का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के बेसिस पे तीन तरह का होता है, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, ऊगेमस। आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, ऊगेमस। आइसो मतलब सारे के सारे गैमेट एक जैसे, ठीक है, दोनों गैमेट जो आपस में फ्यूज होंगे, दोनों गैमेट एक जैसे होंगे। इसमें कौन सा मेल होगा, कौन सा फीमेल होगा, ये हम नहीं जानते, इसीलिए इसको इसमें प्लस और माइनस से दिखाते हैं, क्योंकि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है ये पता नहीं चलता, अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों एकदम आइडेंटिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है एन आइसोगेमस। एन आइसोगेमस जो होता है उसमें साइज डिफरेंट होता है, एक गैमेट बड़ा होगा, एक गैमेट छोटा होगा। ठीक है, बड़े वाले को मैक्रो कहेंगे और छोटे वाले को माइक्रो कहेंगे, दिखने में एक जैसे दिखेंगे लेकिन साइज बड़ा छोटा होगा। तीसरा आता है हेटरोगेमस या ऊगेमस, जिसमें एक बड़ा गैमेट होगा जो कि मूव नहीं कर पाएगा, नॉन मोटाइल होगा, सेसाइल होगा, ये फीमेल गैमेट होता है। और दूसरा छोटा गैमेट होता है, स्मॉल होता है, मोटाइल होता है, ठीक है, इसे मेल गैमेट कहते हैं। ठीक है, तो दोनों गैमेट दिखते भी अलग हैं, फंक्शनली भी अलग होते हैं। ठीक है, इसे ऊगेमस तरह का कहते हैं, ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हमारे अंदर यही होता है, हमारा स्पर्म मोटाइल है, छोटा है, और एग जो है सेसाइल है और बड़ा है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी की। सेक्सुअलिटी क्या है? सेक्सुअलिटी का मतलब होता है सेक्स। अब सेक्स क्या? सेक्स एक ऐसा फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी बॉडी किस तरह का गैमेट बनाएगी। क्या वो दोनों बनाएगी, क्या वो मेल बनाएगी, क्या वो फीमेल बनाएगी। इफ माई सेक्स इज मेल देन आई प्रोड्यूस मेल गैमेट, इफ माई सेक्स इज फीमेल देन आई प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। तो सेक्सुअलिटी जो है वो क्या होती है, आपकी बॉडी में किस तरह का गैमेट बनेगा ये आपको बताती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एल्गी और फंजाए, इन छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सिंपल बॉडी की बात वाले ऑर्गेनिज्म बात करते हैं। इनकी बॉडी को थैलस कहा जाता है। इनकी बॉडी को थैलस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर रूट एंड शूट डेवलप नहीं होते, एक सिंपल बॉडी होती है, इसे थैलस बॉडी कहते हैं। अब इसमें सेक्सुअलिटी दो तरह की होती है, होमोथैलिक और हेटरोथैलिक। होमोथैलिक का मतलब जितने भी गैमेट होंगे वो एक ही ऑर्गेनिज्म पे बनेंगे। ठीक है, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म पे मेल गैमेट भी बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ऑल गैमेट प्रोड्यूस ऑन सेम ऑर्गेनिज्म, इसे होमोथैलिक कंडीशन कहते हैं। दूसरा आता है हेटरोथैलिक, वन टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस ऑन वन प्लांट और वन ऑर्गेनिज्म। यानी एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही तरह का गैमेट बनाएगा, या मेल या फीमेल। होमोथैलिक में दोनों मेल फीमेल या मैक्रो माइक्रो दोनों एक पे ही बनेंगे, जबकि हेटरोथैलिक में प्लांट जो है या ऑर्गेनिज्म है वो एक खास तरह का ही गैमेट बनाएगा, या तो मेल या फीमेल, या बड़ा या छोटा। ठीक है, समझ में आई आपको बात। दूसरा आता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर हम इसे मोनोइशियस और डायोशियस कहते हैं। मोनोइशियस और डायोशियस,
मोनोइशियस में मोनो यानी एक, एक ही प्लांट सारे तरह के गैमेट बनाएगा, मेल भी फीमेल भी, ठीक है, हर तरह के फ्लावर, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, सारे फ्लावर एक ही प्लांट पे उगेंगे, तो इसे मोनोइशियस कहते हैं, ठीक है। और डायोशियस, डायोशियस में एक प्लांट पे एक ही तरह के फ्लावर उगेंगे, या तो मेल फ्लावर उगेंगे या फीमेल फ्लावर उगेंगे। आपको बात समझ में आई? मोनोइशियस पे क्या होंगे, दोनों तरह के फ्लावर उगेंगे, जबकि डायोशियस पे सिर्फ एक ही तरह का फ्लावर होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अब आता है एनिमल, एनिमल होते हैं, एनिमल में इसे बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। बाइसेक्सुअल दोनों तरह के गैमेट अगर एनिमल बना रहा है तो उसे बाइसेक्सुअल कहेंगे, और अगर एक खास तरह का गैमेट बना रहा है तो उसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल। अर्थवर्म जो है बाइसेक्सुअल है, ठीक है, प्लेटिहेलमिंथीज सारे बाइसेक्सुअल होते हैं, और ह्यूमन जो है वो यूनिसेक्सुअल हैं। मैमल या वर्टिब्रेट जितने भी हैं सबके सब यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी। अब अगेन दोबारा से थोड़ा गैमेट पे बात करते हैं, ठीक है। गैमेट की बात करें तो गैमेट आर द हैप्लॉइड सेल, इट्स अ फर्स्ट वन प्रॉब्लम, फर्स्ट बात क्या पे याद रखनी है, गैमेट हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और ये खास किस चीज के लिए बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनते हैं। यहां पे आपको इस फ्लो चार्ट से क्लियर हो गया होगा कि गैमेट के अंदर सिंपल दो ही चीज याद रखनी है, एक तो ये हैप्लॉइड है, एन है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, ठीक है। अब आपकी बात दिमाग में आती है कि ये हैप्लॉइड ही क्यों होते हैं। अब हैप्लॉइड के लिए आप इस चार्ट को समझिए, अगर गैमेट हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैं दोनों, तो दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होंगे और क्या होगा, जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा, और उससे ऑफस्प्रिंग जितनी बनेंगी वो क्या होंगी, डिप्लॉइड ही होंगी, यानी आप जो है डिप्लॉइड ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर गैमेट क्या हुए, डिप्लॉइड हुए, डिप्लॉइड हुए, तो क्या होगा, इनके फ्यूजन के बाद में जो बनने वाला जाइगोट होगा वो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड 4n हो जाएगा, और ऑफस्प्रिंग भी 4n हो जाएगी, ठीक है। तो कैसा बच्चा जो पैदा होगा या ऑर्गेनिज्म पैदा होगा वो डिफरेंट होगा, और शायद पैदा ही ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हम सिंपल इसका आंसर देते हैं कि वाई गैमेट आर हैप्लॉइड, जस्ट टू मेंटेन द प्लॉइडी, गैमेट आर हैप्लॉइड जस्ट टू मेंटेन द प्लॉइडी, गैमेट्स आर हैप्लॉइड, सिंपल सी ये इसकी बात है। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेजेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज जो हैं वो बेसिकली तीन फेज हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन फेजेस में डिवाइडेड है, तीन बेसिक फेज में है। पहला फेज है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का फेज, ठीक है, इसे प्री फर्टिलाइजेशन फेज कहते हैं। इसमें गैमेट बनते हैं, इसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें गैमेट जब बन जाते हैं, ठीक है, अब अगर स्पर्म बनेंगे तो स्पर्म बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर ओवम बनेंगे तो बोलेंगे ओजेनेसिस, ठीक है। तो ये गैमेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, सबसे पहला स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद में आता है गैमेट बन गए तो उसके बाद में गैमेट ट्रांसफर होता है, कहां पर ट्रांसफर होता है, गैमेट बनने की जगह से फर्टिलाइजेशन की जगह तक, ठीक है, इसे कहते हैं गैमेट ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ गैमेट फ्रॉम द प्लेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस टू प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। हम इसलिए यू वर्ड यूज नहीं कर रहे मेल एंड फीमेल का, बिकॉज आइसोगेमस के अंदर मेल और फीमेल नहीं होते, तो यहां फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसके तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, गैमेट्स का साइटोप्लाज्म मिलता है, ठीक है, उसके बाद में इनका न्यूक्लियस मिलता है, और उसके सबसे लास्ट के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो आपस में जोड़ा बना लेते हैं या पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी भी कहा जाता है, सिनगेमी भी कहा जाता है। सिनगेमी के तीन पार्ट हैं, प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ क्या, साइटोप्लाज्म, कैरियोगेमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड थर्ड एम्फीमिक्सिस, जिसमें हम कहते जिसमें कहते हैं कि क्रोमोसोम आपस में क्या हो गए, पेयरिंग कर गए। तो फर्टिलाइजेशन जिसका दूसरा नाम क्या है, सिनगेमी, फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, सिनगेमी, ठीक है। इसके तीन पार्ट हैं, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड कैरियोगेमी, और एपोमिक्सिस जिसमें न्यूक्लियर जो क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं।
अब जब फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है तो बनने वाली स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं, यह तीसरा स्टेप है। इसमें डिवीजन भी होता है, सेल पहले डिवाइड होती है और यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर होती है, बाद में डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है, और अलग अलग सेल अपना अलग अलग काम करने लग जाती है। इसे एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। अब गैमेटोजेनेसिस मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन द गोनेड्स, वो ऑर्गन जो गैमेट बनाएंगे उसे गोनेड कहेंगे। अभी जरूरी नहीं कि गोनेड सभी के अंदर हो, लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म के अंदर गोनेड नहीं होते, प्रॉपर गोनेड नहीं होते, ठीक है, लेकिन क्या है फिर भी अगर गैमेटोजेनेसिस की बात आती है तो हमें अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो हम पूरा पूरा लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इन द गोनेड इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब यहां पर हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस के लिए सेल डिवीजन होता है। गैमेटोजेनेसिस फंगस और एल्गी में अगर होगा, यानी जिनकी मेन बॉडी गैमेटोफेटिक होती है, एन बॉडी होती है, हैप्लॉइड बॉडी होती है, उनके अंदर माइटोसिस से गैमेट बनते हैं, बिकॉज गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है, तो हैप्लॉइड गैमेट बनाने के लिए हैप्लॉइड बॉडी को माइटोसिस करना पड़ता है और ये गैमेट बनाती है, ठीक है। इसके बाद में लेकिन स्पोरोफिटिक बॉडी वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, 2N बॉडी वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होता है, इनकी बॉडी 2N होती है, मेन बॉडी 2N होती है, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन से क्रोमोसोम आधे ही रह जाते हैं और गैमेट के अंदर कितने आते हैं, N क्रोमोसोम आते हैं, ठीक है, और गैमेट बन जाते हैं। तो ये क्या है, गैमेट बनना। गैमेट बनने के बाद जब गैमेट ट्रांसफर होता है, ठीक है, इसका एग्जांपल है पॉलिनेशन एंड इंसेमिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है जो पोलन ग्रेन्स हैं उसका एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पहुंचना, या एंथर से, एंथर लोब से एक दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक पहुंचना, ठीक है। इसके बाद में आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है अराइवल ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो है स्पर्म पहुंच जाते हैं तो उसे इंसेमिनेशन कहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इतनी ज़्यादा बात नहीं बताएंगे। इसमें सिंपल क्लियर है, द गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है या स्ट्रक्चर है, वहां से गैमेट के प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन से पहुंचने को बोलते हैं क्या, गैमेट ट्रांसफर। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है, अगला है फर्टिलाइजेशन, जिसके बारे में आपको बता ही चुका हूं। हाँ तो भाई लोग, दीदी लोग, समझ में आया अच्छी तरह से? अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना। अगर फिर भी नहीं आए तो मैसेज या कमेंट करके पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन करते रहना, और कोई भी प्रॉब्लम में टॉपिक में दोबारा पढ़ने का हो कि सर नहीं ये अभी नहीं आया और एक और वीडियो बना के भेजिए, तो मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाकर भेज सकता हूँ। आप बस एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक तन मजबूत, मन मजबूत, अध्ययन मजबूत, बॉडी स्ट्रांग, mind strong and study strong.